Hi dear students, welcome to this online classes. Today we are about to discuss English syllabus of class 10th. बहुत ज़्यादा important है. आप सभी लोग जानते हैं कि सर 10th का अंग्रेजी के बारे में कुछ बताइए. जैसे जब से ही मैंने आपको पूरा सिलेबस समझाया है, आप सभी बार बार हमें कमेंट्स करके बता रहे हैं. ऐसे देखो, मैं अंग्रेजी का एक शिक्षक हूँ नहीं, मुझे अंग्रेजी उतनी आती नहीं है बच्चों, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ बताने के लिए. कहते हैं आज का मोटिवेशन कोट्स है कि इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू है ना, इफ़ यू डाई पुअर इज इट है ना, इट इज़ योर मिस्टेक. कहने का अर्थ ये हुआ प्यारे बच्चों कि यदि आप गरीब घर में पैदा लेते हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है. लेकिन आप एक गरीब इंसान होकर ही मर जाते हैं, गरीबी में ही आप अपनी ज़िंदगी गुजार के मर जाते हैं, तो इट्स योर मिस्टेक, यह आपकी गलती है. तो प्यारे बच्चों, याद रखना है कि अगर आप बार बार कहते हो ना सर मैं बहुत गरीब हूँ, कभी ये शब्द बोलो ही मत कि मैं गरीब हूँ. किसी के सामने मत बोलो, बस ये बोलो कि अभी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, पैसे की थोड़ी कमी है. गरीब इंसान कई तरह के होते हैं, और उसमें से सबसे छोटा गरीब होता है जो पैसे से गरीब हो, सबसे बड़ा गरीब वो होता है जो बच्चों दिल से गरीब हो, है ना. कहते हैं कि समुद्र के पास बहुत पानी है लेकिन उसका पानी कोई पी नहीं सकता. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, अमीर बहुत होते हैं लेकिन वो बहुत कंजूस होते हैं. तो भाई मेरे, ये बात बोलना छोड़ दो कि मैं गरीब हूँ, क्योंकि हम तो बहुत गरीब इंसान जीवन में बहुत अच्छा कर गया है. और उसका एक जीता जागता उदाहरण है बच्चों, बिल गेट्स, है ना. बिल गेट्स जो कि दुनिया के सबसे महान व्यक्तियों में से इनकी गिनती होती है, इन्होंने कहा है कि इफ़ यू आर बॉर्न पुअर, यदि आप गरीब जन्म लेते हैं, इट्स नॉट योर मिस्टेक, इसमें आपकी गलती नहीं है. बट इफ़ यू डाई, लेकिन अगर आप मरते हैं पुअर, मतलब गरीबी में मरते हैं, इट्स योर मिस्टेक, यह आपकी गलती है. ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज से हमें इस मोटिवेशन कोर्स से यही सीखने को मिला कि हमें जीवन में हमेशा प्रयास करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, अच्छा बनने के लिए, अच्छा करने के लिए. चलिए हम इसमें बताते हैं आपको 10th क्लास का जो हमारा सिलेबस है, अंग्रेजी है ना. अंग्रेजी के बारे में बहुत चिंता होती है आपको, सर इंग्लिश है बहुत, है ना. बहुत सारे लोगों में तो ये मिथ होता है कि सर अंग्रेजी में फेल होने से क्या हम फेल हो जाएंगे. तो प्यारे बच्चों, पहली मिथ ये है कि अंग्रेजी में फेल होने से क्या आप फेल हो जाएंगे, तो नहीं, अंग्रेजी में फेल होकर के भी आप पास कहलाओगे, ठीक है ना. लेकिन प्यारे बच्चों, कम से कम हम कहते हैं किसी बच्चों को मिनिमम 30 मार्क्स, 30 नंबर कम से कम अंग्रेजी में भी लाने होते हैं पास करने के लिए. लेकिन 30 से काम नहीं चलता. किसी भी सरकारी जॉब वगैरह में जाओगे तो मिनिमम यू हैव टू डू कम से कम आपका 33% नंबर होना चाहिए किसी भी जॉब में जाने के लिए, 33%. और अगर अच्छे अच्छे जॉब में जाओगे तो उसके लिए 60%, ठीक है ना. तो थोड़ा सा और हाई करना पड़ेगा आपको, जैसे आप है ना, जैसे 60% बच्चों क्लर्क वगैरह का जॉब में जाएंगे तो आपको 60% चाहिए. तो आप सभी को कम से कम ये कोशिश करना है कि हम पढ़ें, है ना, कुछ ना कुछ जरूर पढ़ें. तो आप बोलोगे सर हम तो आपके ऊपर डिपेंड है, हम तो आप ही से पढ़ेंगे. पर बच्चों देखो, आप लोग कहीं ना कहीं ऑफलाइन भी पढ़ते होंगे, है ना, वहाँ के भी टीचर्स को बोलिए थोड़ा सा मदद करेगा आपका. बाकी हम तो हैं ऐसे, आपको पता है कि हम अंग्रेजी के टीचर हैं नहीं, फिर भी हम प्रयास करेंगे. एक बार किसी टीचर ने मुझे बोल दिया था, है ना, पिछले बार आप लोगों के, है ना, आप लोग के भैया लोग थे, वो मुझे बोल रहे थे, है ना, कि सर आप अंग्रेजी पढ़ाओ. मैंने बोला देखो भाई मुझे अंग्रेजी आती नहीं है, बोला सर पढ़ाओ. और मैंने कहीं पर एक है ना मिस्टेक कर दिया, हमने क्या कर दिया, मिस्टेक, क्योंकि मैं तो टीचर हूँ नहीं, तो है ना मैंने मिस्टेक कर दिया जी, एक मिस्टेक कर दिया. तो एक टीचर साहब थे, है ना मुझे तो लगता नहीं कि वो टीचर होंगे, फिर भी उन्होंने कहा हम एक शिक्षक हैं और आपने यहाँ पर मिस्टेक किया, अगर आपको अंग्रेजी पढ़ानी नहीं आती तो क्यों पढ़ाते हो. थोड़ा सा दुख लगा था मुझे, अगर उसको क्या पता घोचू को कि प्यारे बच्चों कि मैं 5 सब्जेक्ट पढ़ा लेता हूँ, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, और वो सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाता है. उसके बावजूद उसको लगता था उसको बहुत ज्ञान है. खैर कोई बात नहीं है, सब अपने अपने जगह होते हैं, है ना. आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट माई स्टूडेंट्स, हम जो है ना बिल्कुल कोशिश करेंगे हम अपना पूरा देने के लिए आपको, जहाँ तक हो पाएगा हम देंगे. अंग्रेजी में हमें क्या पढ़ना है बच्चों, पुनरोमा पढ़ना है, पार्ट नंबर 2 है, जो कि 9th में जाओगे तो पार्ट 1 मिलेगा इसका. और ये 2 बुक है, अंग्रेजी की 2 किताबें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी अगर आप चाहते हो अच्छा नंबर लाने के लिए. और उसके बाद होता है बच्चों ग्रामर, क्या होता है ग्रामर, ठीक है. तो 3 चीज़ है, तो 2 किताब हैं और ग्रामर है. आप बोलोगे सर अगर हम अंग्रेजी कुछ ना पढ़ें तो कितना नंबर आएगा. भाई साहब मैं ऐसा जुगाड़ बता दूंगा कि आप 35 से 40 नंबर तो ऐसे भी ला सकते हो. सर कैसे, उसके लिए जुगाड़ है, बहुत सारा चीज़ है. खैर वो चीज़ अंतिम में बताते हैं, अभी नहीं, आइए ध्यान दीजिए, अभी तो आपको पढ़ना है. तो बच्चों फर्स्ट बुक में जो होता है हमारा कंटेंट में, तो द पेस फॉर लिविंग से स्टार्ट होता है और जाके ख़त्म होता है. देखो एक होता है प्रोस सेक्शन, प्रोस होता है, एक होता है हमारा पोएट्री, वो हिंदी में भी ऐसा होता है, गद्यखंड काव्यखंड वैसे होता है इसमें, ये आप समझ लो गद्यखंड है, क्या है, गद्यखंड है, ठीक है ना. तो इसमें 8 लेसन्स हैं. और पोएट्री में जाओगे तो गॉड मेड द कंट्री से लेकर के हमारा मार्था तक होता है 8 लेसन. तो 8 और 8 कितने हो गए, 16 लेसन.
तो 16 लेसन आपको फर्स्ट है ना फर्स्ट बुक में पढ़ना पड़ता है, सेकंड बुक में भी आपको पढ़ना पड़ता है जनवरी नाइट से लेकर के लव डिफाइंड तक, यानी कि 7 लेसन इसमें पढ़ना पड़ता है। तो 16 और 7 जोड़ लो भाई मेरे 23 लेसन, टोटल आपको 23 लेसन पढ़ने पड़ते हैं अगर आपको पूरे अच्छे से पढ़ना है तो, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा, गारंटी नहीं लेता हूं पढ़ाने का, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट हमारा क्या आता है प्यारे बच्चों, ग्रामर। ग्रामर सेक्शन आपको पता है इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है, ध्यान दीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है ना, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन है ना, ये तो नहीं आता है। टाइप ऑफ सेंटेंस आता है, पंचुएशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेंस इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टेंस बच्चों। अगर आप 12 टेंस को आप समझ लेते हैं अच्छे से, यानी कि 3 टेंस के चार चार पार्ट्स को, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेंस है ना। डिटरमाइंस आते हैं एग्जाम में, क्वांटिफायर्स ये नहीं आते हैं, कनेक्टर्स आते हैं, स्पीच नहीं आते हैं, पॉसेसिव क्लॉज है ना, आर्टिकल्स, फ्रेज वर्ब्स, एडम फ्रेज है ना, उसके बाद ही बहुत कुछ है, वॉइस है, नरेशन है, डिग्री है ना आर्टिकल्स हैं। मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट देखो क्या क्या है, आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, दूसरा में हमारा टेंस इंपॉर्टेंट है, तीसरा में हमारा वॉइस इंपॉर्टेंट है, चौथा में हमारा नरेशन इंपॉर्टेंट है, पांचवा में हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, टाइप ऑफ क्या है सेंटेंस है, छः नंबर में हमारा आता है क्वेश्चन टेक शायद आप लोग का आता है, नहीं क्वेश्चन टेक आप लोग का नहीं आता है, क्वेश्चन टेक नहीं आता है। नाउन प्रोनाउन तो पढ़ना ही है, नाउन है नंबर में, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, वर्ब है, एडवर्ब है, ठीक है ना, एडवर्ब आते हैं प्यारे बच्चों, उसके बाद एडवर्ब हो गए, वर्ब हो गए, एडवर्ब हो गए, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, हाँ अपोजिट वर्ड होता है ना, और इरर भी आता है बच्चों, ठीक है ना, कॉमन इरर वगैरह भी आता है कि इसमें क्या गलती है, कहाँ पर सही है, तो ये सब चीज़ आपका है ना अंग्रेजी में है। हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कुछ ना कुछ आपको जरूर दें, ठीक है ना, कुछ ना कुछ जरूर देंगे, ठीक है। आगे आता आप देखिए सिलेबस समझते हैं, 100 नंबर का अंग्रेजी होता है सबको पता है, यस गुरु जी मेरे 100 नंबर का होता है, 100 में से आपको पता है कि 50% ऑब्जेक्टिव 50% सब्जेक्टिव, तो 50 में से ध्यान दीजिए ऑब्जेक्टिव में कितने आएंगे, 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएंगे, जिसमें से आपको 50 बनाने सबको पता है, सिर्फ बीबी रंगा दोगे तो 13 सही होगा, गारंटी लेते हो सर, गारंटी लेता हूँ 12 से 13 क्वेश्चन सही हो जाएंगे सिर्फ बीबी रंगाने से, सिर्फ क्या रंगाने से बताओ, बीबी, लेकिन ऐसा गलती करना मत, मजाक कर रहा था ठीक है, सिर्फ बीबी रंगाने से 13 नंबर आपका आ जाएगा, लेकिन आपको करना नहीं है ऐसा, ठीक है ना। आ गया था जो सब्जेक्टिव में आपको बताता हूँ कि क्या क्या करना है, ये काम करना मत, मैं ऐसे बता रहा था ठीक है। सब्जेक्टिव में देखो बच्चे क्या क्या आते हैं ध्यान से, ऑब्जेक्टिव तो समझ में आ गया, ऑब्जेक्टिव में भी दो चीज़ आता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव में बुक से आते हैं 30 क्वेश्चन ग्रामर से, 30 क्वेश्चन बुक से 30 ग्रामर से, ये वाला कम हो सकता है, ये कभी कम हो सकता है, लेकिन ये वाला कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ग्रामर से ज़्यादा सेक्शन आता है, बुक से थोड़ा कम आता है ठीक है। तो मान लो कि 30-30 का आता है, और दोनों में से 60 में से आपको बनाने कितने हैं, बनाने हैं 50, 60 में से 50 आपको बनाने हैं ठीक है ना। हाँ कोशिश करोगे तो 15-20 सही हो जाता है, 20-25-30 आराम से सही हो जाएगा, और अच्छे से पढ़ोगे तो सब सही होगा। ध्यान दीजिए अब आता है सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में आप लोगों ने सुना होगा हिंदी और संस्कृत में मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था, वो है गद्यांश, क्या था गद्यांश, उसी को अंग्रेजी में हम पैसेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं पैसेज, यानी कि एक अंग्रेजी में छोटा सा अपठित है ना अनरीड पैसेज दिया जाता है, उसको आप पढ़िए, और पढ़ने के बाद जो जो चीज़ उसमें लिखा गया है उसके है ना उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो भाई साहब ध्यान दीजिए, पैसेज एक, पैसेज दो, पैसेज तीन पैसेज आते हैं, यानी कि टोटल हम कह सकते हैं कि 20 नंबर का पैसेज आता है ठीक है। और मैं इसी सेक्शन की बात करता हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, अगर थोड़ी सी अंग्रेजी आपको पढ़ने के लिए सिर्फ आता है और हल्का सा अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर है समझने का, तो आप 20 में से 15 नंबर तो फिक्स उठा लोगे, यहाँ से 15 नंबर तो आसानी से उठा लोगे। मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, मैं उस स्टूडेंट की बात कर ही नहीं रहा जिसको अंग्रेजी आती है, जो मुझसे भी अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, हम आपकी तो बात ही नहीं करते, हम उसकी बात करते हैं जो बच्चे बड़े कमजोर होते हैं जिसको अंग्रेजी नहीं आती है। ध्यान देना, फिर आता है बुक से क्वेश्चन आंसर बच्चों, है ना, 3 नंबर तक आपका क्या होता है पैसेज ही चलता है, 4 नंबर पर आता है क्वेश्चन आंसर, ये आपके बुक से होता है 10 नंबर का, ये इसके लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा 10 नंबर का, 10 नंबर का क्वेश्चन आंसर सिर्फ 10 नंबर आता है यहाँ से, ध्यान देना। तो आप बोलोगे सर सब्जेक्टिव पार्ट में बुक का क्या रोल है, बुक का मस्त है ना, बुक का रोल है मात्र 10 नंबर का, और ग्रामर का रोल कितना है 40 नंबर का, तो ग्रामर का रोल है 40 नंबर, ग्रामर में ये सर क्या हमारा पैसेज ग्रामर में आता है, हाँ बच्चों पैसेज ग्रामर का ही एक हिस्सा है ठीक है। आगे हमारा आता है पैराग्राफ लिखना, अनुच्छेद लिखना किसी एक पर, जैसे कि माय फेवरेट टीचर, माय विलेज फेयर, पॉल्यूशन है ना, ये सब चीज में आता है बच्चों, डोरी डोरी वाले में आता है, तो ये सब चीज में क्या आता है 5 नंबर आपके आते हैं पैराग्राफ लिखने में ठीक है ना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से 15 नंबर आते हैं, जिसमें आपको सीखना पड़ता है लेटर लिखने के लिए, नोटिस बोर्ड लिखने के लिए, स्पीच लिखने के लिए यानी भाषण,
भाषण, सूचना और पत्र, ये तीन आपको सीखना पड़ता है अंग्रेजी में, और तीन लेटर्स आते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत यहाँ पर है ना अजीब चीज़ का है ये कि छः क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से आपको तीन बनाने हैं, उसमें लेटर एक होगा, नोटिस होगा और स्पीच होगा, यहाँ से 15 नंबर आएंगे। अगर इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो ना, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, लिखने का तरीका सिखा दूंगा, अगर आप इसे कर लेते हो तो अच्छा खासा नंबर आ सकता है। अब बच्चों सबसे पहला आता है कि हाउ टू डू अ गुड स्कोर इन इंग्लिश, है ना, अंग्रेजी में अच्छे नंबर कैसे लाएँ, हर बच्चे का एक सवाल होता है, ठीक है, हर बच्चे का सवाल होता है कि हाउ टू डू अ गुड स्कोर इन इंग्लिश, ठीक है ना। तो बच्चों सबसे पहले आते हैं कमांड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, आपको ऑब्जेक्टिव्स में थोड़े से कमांड करने चाहिए, ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा आपके अंदर लाना है, पकड़ में लाना है। अगर नहीं भी पढ़े हो बुक ना, तो ऑब्जेक्टिव पढ़ के रट रट के ठीक है ना, कर लोगे थोड़ा सा, ठीक है। ये बच्चों मैं जुगाड़ बता रहा हूँ, दिस इज जुगाड़, है ना, ओनली जुगाड़ है ये, दिस इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। दूसरा क्या आता है बच्चों की रीड ओरिजिनल बुक ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो ओरिजिनल बुक का ऑब्जेक्टिव है उसको आपको पढ़ना है। बहुत सारे ऐसे मॉडल पेपर वगैरह आते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव रहता है। अगर आप हमारे पेड क्लास में जुड़े हैं तो मैं खुद आपको दे दूंगा, आप निश्चिंत रहें, हम आपको ये चीज़ करवा देंगे, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। दूसरा आता है बच्चों की लर्न हाउ टू सॉल्व पैसेज, आपको ये सीखना चाहिए कि पैसेज को कैसे बनाएं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पैसेज बनाने के लिए सीखना चाहिए, क्योंकि 20 नंबर्स यहाँ पर हैं, ठीक है ना। आगे आता है बच्चों की फोकस टू लर्न, यानी कि आपको फोकस करना चाहिए सीखने में, क्या लेटर, नोटिस एंड स्पीच, ये तीन चीज़ को ना अभी से ही फोकस करना है। कोई जरूरी नहीं कि हमारे YouTube चैनल, बहुत सारे ना YouTube चैनल हैं, उस पर मारोगे तो मिल जाएगा आपको बहुत सारा चीज़, नहीं तो हम जहाँ तक होगा हम कोशिश करेंगे। आगे आता है बच्चों सेल्फ कॉन्फिडेंस, अंग्रेजी में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास ही आपका कार्य आता है। आप डर जाओगे तो नहीं कर पाओगे, डरना नहीं है, जाके एग्जाम देना है। ऐसे बच्चों इसका है ना, इसका नंबर आपके मार्कशीट में नहीं जुड़ता है, इसका नंबर आपके मार्कशीट में नहीं जुड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हम एकदम साफ छोड़ दे, नहीं, साफ नहीं छोड़ना है, मार्कशीट में नहीं जुड़ता है, फिर भी यह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आगे के लिए, रोल के लिए, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बाद लेंगे क्या, बहुत सारे स्टूडेंट इसके बाद साइंस लेते हैं, इंटर के बाद साइंस लेते हैं, वहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। आपको सबको पता है कि इंटर में ये हमारा कंपलसरी हो जाता है। तो बच्चों थोड़ा थोड़ा सा आपको इस पर फोकस करना चाहिए, और हमें भी कमेंट वगैरह करते रहिएगा बीच बीच में कि सर आप वीडियो वगैरह बनाइए, तो हम भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट्स वगैरह कीजिएगा कि सर ग्रामर का कुछ पार्ट पढ़ा दीजिए, तो हम कोशिश करेंगे पढ़ाने का। ऐसे हम टीचर नहीं है, फिर भी हम अगर प्रयास करेंगे तो बन जाएंगे, नहीं कहते कहते बन जाते हैं कई बार। स्टार्टिंग में सिर्फ हम मैथ पढ़ाते थे, आपको मैंने कई बार बताया, धीरे धीरे मैंने सारे सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया। पहले मैंने शुरू किया था किससे, मैथ से। मेरी अगर आप जर्नी देखोगे बच्चों, ऑफलाइन के बच्चों को पता है, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि हमने स्टार्ट किया था मैथ्स से। मैथ्स के बाद हमने पकड़ा हिंदी, हिंदी के बाद हमने पकड़ा बच्चों एसएसटी, एसएसटी के बाद पकड़ा संस्कृत, फिर हमने साइंस, अभी वगैरह सबसे बच्चा ज़्यादा पढ़ते हैं साइंस हमसे, ठीक है। तो कहने का अर्थ क्या है कि कभी भी चेंज वगैरह हो सकता है, हम कोशिश करेंगे तो हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। जय हिंद बच्चों, बाकी आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना, और आप लोग जो भी अगर हमारे पेड क्लास में ज्वाइन नहीं है तो ये नंबर है याद रखना 7700879453, इसमें आप जुड़ के रहना, है ना। ऑल सब्जेक्ट का तो हम नोट्स दे ही रहे हैं, अब इसमें नया ऐड कर देंगे बच्चों इंग्लिश को, इंग्लिश का भी क्वेश्चन आंसर हम आपको देंगे, कोशिश करेंगे हम पढ़ाने का। अगर हम नहीं पढ़ाते हैं तो बस क्वेश्चन आंसर भी आपको दे देंगे, ताकि आप घर पर बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है ना। बाकी अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इसके पहले वाले, अगर आपने नहीं देखा है अभी तक। प्यारे बच्चों, अगर आपने हिंदी का, संस्कृत का, मैथ का, सोशल साइंस साइंस का अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है, तो इस वीडियो के नीचे लिंक है, जाइए उस वीडियो को देखिए, या फिर आई बटन पर लिंक मैं लगा दूंगा, वहाँ से देखिए। और सिलेबस को हर 2-3 महीने में देखा ना, हर एक एक महीने में, ध्यान दीजिए, सिलेबस एक बार देखने की चीज़ है ही नहीं, हर एक एक महीने पर सिलेबस को फिर से देखिए। इससे क्या होता है ना कि आपके अंदर में वो जुनून फिर से पैदा होता है, ठीक है ना। तो देखो पढ़ाई, आप लोग बहुत बहाना वगैरह कर लेते हैं, सर ये हो गया वो हो गया, कोई भी बहाना नहीं चलेगा, है ना। 5-6 महीने बचे हैं, पूरा दम लगा दीजिए बच्चों, इसके बाद फिर आपको वो मौका, अगर आप देखते रह जाओगे आपके छोटे भाई को पढ़ते हुए, आपको वो मौका नहीं मिलेगा। आपको जी जान लगाना है, सभी भाई बहन को हम कह रहे हैं, जितने भी भाई बहन मुझे लाइव देख रहे हैं या फिर जैसे भी देखेंगे वीडियो रिकॉर्डेड वगैरह, सबको हम कह रहे हैं, देखिए आपके पास है ना, यू हैव ओनली वन चांस टू डू योर बेस्ट, ठीक है ना। आपका करने के लिए, मतलब आपको बेस्ट करने के लिए आपके पास एक ही चांस है मैट्रिक में, ठीक है, दोबारा चांस नहीं मिलेगा आपके गार्जियन, ठीक है। तो इसमें कुछ कीजिए अच्छा, और अपने परिवार को भी खुश कीजिए, हमें भी खुश कीजिए, हमें भी आइए प्यारे बच्चों मिठाई वगैरह खिलाइएगा, अच्छा नंबर आएगा तो, ठीक है। बाकी आप लोग का क्या टारगेट वगैरह है आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और मुझे क्या करना चाहिए आगे और किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए ये भी कमेंट कीजिए। लाइव क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। जय हिंद।